अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 33, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉब्लम 48। अब वो कह रहा है कि एक लाइट रे थीटा वन बाउंड्री के साथ एंटर कर रही है अंडरलाइंग मटेरियल में। हम कह रहे हैं कि लाइट रिफ्रैक्ट हो। दो चॉइसिस है अंडरलाइंग मटीरियल के लिए। थीटा टू वर्सेज थीटा वन का ग्राफ दिखाया गया है, वर्टिकल स्केल अब 90 डिग्री हमें बता दिया गया है। वो कहता है कैलकुलेट करो, डिटरमाइन द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, मटेरियल वन मटेरियल टू किसका ज्यादा होगा। फिर हमने दोबारा से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मटेरियल वन मटेरियल टू विद कैलकुलेशन। थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के जब हम कहेंगे वाई बराबर एक्स के। तो यहां से अगर आप देखें तो टू नंबर वाली जो लाइन है ये अब आपके पास 45 पे मीट कर रही है, वन नंबर वाली 75 पे मीट कर रही है जाके। अगर आप इसे 90 थीटा टू, उसने कहा ना कि 90 डिग्री का स्केल रखना है। अब हम कहेंगे कर्व वन फॉल कर रही है जबकि आपके पास टेल अस के एंगल ऑफ आल जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो लेस है इंसिडेंट एंगल से। तो थीटा टू लेस है थीटा वन से, जिसका मतलब एन टू बड़ा है एन वन से। अब आप कह सकते हैं कि भाई जो एन वन है वो वाटर का है, एन टू जो है वो मटीरियल का है। तो अब आपके पास हम कहेंगे N2 मटेरियल के लिए वो ग्रेटर होगा N1 वाटर से। तो स्नेल्स लॉ लग गया है, अब आपके पास पहला केस में वाटर का आ गया, दूसरा मटेरियल का आ गया। N2 चाहिए तो N1 साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2 आ जाएगा। N1 की वैल्यू अब आपके पास 1.33 साइन 90, यहाँ पे सॉरी N2 है, N2 की वैल्यू अब आपके पास 1.4 आ जाएगी क्योंकि अब आपके पास वो 75 डिग्री पे मटीरियल 1 मैच कर रहा है। तो हम यहां से जानते हैं ये 90 डिग्री है, ये 75 होगा, ये 45 होगा, 75 का मतलब होगा 3/4 ऑफ 90, तो ये 1.4 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मटेरियल 1 पहले हमने चॉइसेस में देखा वो उसका 1.4 है और N2 बड़ा है किससे, N1 से। फिर सेकंड मटेरियल के लिए बात करते हैं, उसी तरीके से हम अप्रोच करेंगे, N2 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे भी सॉरी N2 लिखना है। तो आपके पास जो N2 आ जाएगा वो आ जाएगा 1.33 साइन 90 और ये 45 डिग्री पे, क्योंकि ये जो आपका 2 नंबर है ये 45 डिग्री पे मैच कर रहा है इसके साथ। तो हम कहेंगे कि भाई साइन 90 ओवर ये नीचे साइन 45 आ जाएगा तो ये 1.9 आ जाएगा। तो इसका मतलब N2 बड़ा है किससे, N1 से। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, पक्की इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।